नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो और नौकरी भरा वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने ITI अप्रेंटिसशिप वगैरह करी होती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर होते हैं ना, और जैसे टेक्नीशियंस वगैरह, तो उनके लिए है बच्चों ये नौकरी। और रोज़गार मेला लगने वाला है, वो लगने वाला है हरिद्वार में। कहाँ पे लगेगा, कौन कौन कंपनी आ रही है, तो मारुति सुजुकी किरबी कंपनी आ रही है, और उन्होंने बोला है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो इसमें फ़ोन नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूँगी। तो आपका कोई भी रिश्तेदार है ना, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में रुद्रपुर के बाद अगर कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो हरिद्वार है ना, सिडगुल। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैकेंसीज बड़ी कंपनियों में, जैसे हीरो जैसी कंपनियाँ हैं, ड्रग्स की काफ़ी कंपनीज है, जैसे उसकी दवाइयों की, तो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो देख लेते हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए 31 को लगेगा रोजगार मेला। हरिद्वार जिला सेवा योजन कार्यालय की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए 31 अगस्त को रोजगार मेला लगाया जाएगा। इसमें प्रसिद्ध कंपनियों की ओर से 257 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। तो 257 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जिला सेवायोजन अधिकारी उत्तम कुमार ने बताया कि 31 अगस्त को सुबह 10 बजे से लक्सर रोड जगत जीतपुर स्थित जिला सेवायोजन कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में एक दिन का रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें किरबी एवं मारुति सुजुकी इंडिया अभ्यर्थियों का चयन ITI अप्रेंटिस और स्टूडेंट ट्रेनीज के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो अप्रेंटिस रखेंगे वो ITI के, और ट्रेनी के रूप में आप लोगों को वहाँ पर रखा जाएगा। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता किरबी कंपनी के लिए फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आवश्यक है। कंपनी में संभावित रिक्तियों की संख्या लगभग 57 एवं आयु सीमा 20 से 30 वर्ष बोली गई है, ठीक है। तो जो किरबी की जो वैकेंसीज है वो 57 है, महिला इसके लिए पात्र नहीं होंगी। और मारुति सुजुकी जो इंडिया की योग्यता है वो 10वीं पास होना चाहिए आप लोगों का, और 50% अंक सहित उत्तीर्ण होना चाहिए, और इनकी जो रिक्तियाँ हैं वो 200 हैं। तो सुजुकी के पास ज़्यादा है, आपको पता है, आई थिंक सुजुकी जापान की कंपनी है और ये गाड़ी वगैरह बनाते हैं, आप लोगों को पता है। तो उसी के 1820 वर्ष निर्धारित की गई है आप लोगों के लिए, तो आप निश्चित रूप से अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक योग्यता की समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं छाया प्रतियाँ, बायोडाटा और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ उपस्थित हों। अभ्यर्थियों का उत्तराखंड सेवाजन विभोग के पोर्टल पर पंजीकरण होने के साथ साथ भारत सरकार के NCS पोर्टल जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो भाई अगर जो इसमें अप्लाई कर रहा है उत्तराखंड का, आपको पता है कि जो पंजीकरण होता है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, वहाँ पे भी होना चाहिए और इस NCS में भी होना चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट जॉब का पंजीकरण क्यों मांगा वो तो क्लियर नहीं बताया है, लेकिन आपका पंजीकरण होना चाहिए। बाकी NCS गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे भी आपका पोर्टल पे आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी मोबाइल नंबर ये आपके दिया हुआ है, आप इस पर फ़ोन पर बात कर सकते, पता कर सकते, और बाकी अथवा जिला सेवायोजन जो कार्यालय है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कैंपस जगत जीतपुर हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते। तो आप पर्सनली जाके भी आप पूछ सकते हैं, फ़ोन कर लीजिए। तो भाई जो दूर रहते हैं वो फ़ोन करके पहले पता कर लो कि भाई क्या है वैकेंसीज, क्योंकि न्यूज़पेपर में आई थी और 31 को ये रोज़गार मेला लगेगा। तो अगर आपने जाना है, अटेंड करना है, तो आप निश्चित रूप से देख ले, एक बार जा सकते हैं, है ना। तो बस बच्चों यही था आप लोगों के लिए आज का वीडियो। आई होप कि शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे, क्योंकि सारी अपडेट कुछ ना कुछ हम आप लोगों तक लेके आते रहते हैं। बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे करके हमसे करियर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और हमारी टीम आपकी जो है, हमारी टीम मेरे साथ आपकी कॉल अरेंज कर देगी। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।